तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो हमारा फोर्क या जो हमारा गियर फोर्क सॉफ्ट होता है, ये दोनों जो हमारे सॉफ्ट होते हैं ये वाले, इनको कैसे चेंज करना है ये बताएंगे। ये वाले फोर्क एकदम खराब हो चुके हैं दोनों, जो हमारे यहाँ से गियर जो लगता है और छूटता है इसी से, तो इनको हम चेंज कैसे करना ये बताएंगे। तो यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा ये कट चुका है और मैं इसको पलट के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये तो बहुत ज़्यादा कट गया है, देख सकते हो आप लोग। जो हमारी तीसरी गियर में गाड़ी झटका ले लेके चलती थी, बाकियों गियर में सही चलती थी, तीसरे गियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसके झटका लेने लगती थी बाइक। तो ये दोनों जो हमारे फोर्क हैं ख़राब हो गए, इनको कैसे चेंज करना है ये बताएंगे। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसके नए गियर फोर्क ये हैं, आप लोग देख सकते हैं फोर्क गियर शाफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ, और उसकी एमआरपी ये इतनी है 285 एमआरपी है इसकी एक की। और मैं दूसरा वाला दिखा दूं तो यहाँ पे भी देखो 285, दोनों की एमआरपी एक ही है, सेम है, और ये ओरिजिनल है एकदम कंपनी के जेन्युइन पार्ट्स है। तो इनको हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करना है ये बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक पतला पेचकस और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको कैसे इसको निकालना और कैसे चेंज करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नया वाला आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको खोलता हूँ और इसको दिखाता हूँ मैं नया वाला हमारा जो गियर शिफ्टर है वो कैसा है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको निकालता हूँ, तो ये निकल गया हमारा इस तरीके से। हमारा आप लोग देख सकते हो जो हमारा जेन्युइन पार्ट से इस तरीके से मतलब अलग ही वो होता है। अगर ओरिजिनल पार्ट से डाल रहे हो तो उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पे ये देखो ये पूरा खत्म हो चुका, और इसका जो हमारा नए वाले का ये देखो पुराना वाला तो एकदम खराब हो चुका है, एकदम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो मैं दूसरे वाले को भी निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको फिटिंग कैसे करना ये बताते हैं। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को ये देखो ये दो हमारे हैं जो हमारे सॉफ्ट हैं, फोर्क सॉफ्ट इसको बोलते हैं। तो इनको मैं चेंज करना कैसे ये बताता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसको जो हमारा गियर नाल है, इसकी जो हमारी यहाँ पे पिन लगी होगी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये वाली जो हमारी पिन है यहाँ पे पतला पेचकस ले लेना, और इस वाले लॉक को, लॉक जो हमारा लगा हुआ था इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से निकाल लेना खींच के, ये आराम से बिल्कुल निकल जाएगी। तो यहाँ से ये वाला लॉक हमारा निकल गया। अब इसके अंदर हमारी एक पिन होगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो पिन जहाँ पे हमारा ये जो हमारा फोर के फंसता है यहाँ पे पिन लगी हुई है, यहाँ पे ये पिन को निकालना कैसे ये बताता हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है पटकना है, ज़मीन पे रख के या कहीं पे भी रख के इसको किस तरीके से पटकना है तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से इसको पटकना है ताकि जो हमारी पिन है वो बाहर आ जाए। तो यहाँ से देखो हमारी पिन हल्की सी बाहर आ गई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से हल्की सी बाहर आ गई। तो मैं और इसको निकालता हूँ बाहर, तो यहाँ से हमारी पिन कंप्लीट बाहर ही निकल गई। तो देखो यहाँ से मैं ले लेकर आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये देखो ये इसकी पिन है और जो हमारा लॉक है इसी में फंसता है, खाँचा इसमें बना हुआ है। तो ये पिन को रखते हैं साइड में और जो हमारा फोर्क है उसको निकालते हैं बाहर, जो हमारा गियर फोर्क है ये वाला, इस तरीके से आराम से निकल गया, निकल गया आप लोगों ने देख लिया हमारा ये निकल गया। अब क्या करना है हमको, दूसरे वाले को भी इसी तरीके से निकालना है। तो मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लूँ कपड़े से। तो यहाँ से अब निकालते हैं दूसरे वाले फोर्क को। तो देखो ये वाला हमारा पुराना है जो एकदम खराब हो चुका है, इसको रखते हैं साइड में, और इसके बाद ये हमारा नया है। अब मैं निकालता हूँ दूसरे वाले को। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को मैं एक चीज दिखा देता हूँ, ये वाला जो हमारा यहाँ पे इस तरीके से लगेगा, इस जगह पे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पिन लगेगी इस जगह पे, यहाँ पे हमारी पिन लगेगी और यहाँ पे हमारी पिन घुस जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से हमारी पिन यहाँ पे लग जाती है, फोर्क लगने के बाद फोर्क में इस तरीके से डालना है। तो हमारी ये देखो मैं लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्क है ये बैठ गया। अब यहाँ पे पिन यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है खाँचे को यहाँ पे, ये देखो। अब इसके बाद इसकी पिन को क्या करेंगे हम, ये वाला खाँचा बाहर रखेंगे, इस तरीके से इसको बैठा देना है, बस हाथ से ये बैठ गया, बस ये बैठ गया। पतले पेचकस से इसको जितना अंदर जाता है उतना कर देना है, उसके बाद लॉक ले लेना ये वाला लॉक जो हमने निकाला था यहाँ से, और इसको इस तरीके से बैठा देना है। मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे इस जगह से बैठेगी इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ इस तरीके से। ये पिन में, पिन के जो हमारा खाँचा था उसके बीच में ये लॉक लग जाएगा, तो आराम से लग जाएगा, बिल्कुल आराम से लग जाएगा। मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, इसको मैं देख लूँ पहले, हमारी पिन तो बैठी हुई है।
तो लॉक मैं लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये लॉक रहा और ये हमारी पिन बैठी हुई है अंदर, आप लोग देख सकते हो हमारी पिन बैठी हुई है प्रॉपर। अब हम ले लेते हैं इसका लॉक, और लॉक को जो हमारा इस तरीके से बैठाना है, इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से पिन के खांचे में बैठा देना और हाथ से लॉक को दबा देना है तो ये बैठ जाएगा। यहाँ से निकल गया मेरा, तो मैं वापस से आप लोगों को बैठा के दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये हमारा लॉक बैठ गया, हमारी पिन में लॉक बैठ गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ से हमारा लॉक निकल गया बाहर। तो हमारा लॉक जो प्रॉपर बैठ गया, यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप इस तरीके से यहाँ पे निकल गया, तो हमारी पिन में लॉक प्रॉपर बैठ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप लोगों को ये देखो हमारा लॉक जो प्रॉपर कंप्लीट बैठ गया, हमारा जो गियर फोर के वो काम भी करने लगा। अब निकालते हैं दूसरे वाले लॉक को, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, दूसरे वाले को पतले पेचकस से लॉक को इस तरीके से निकाल लेंगे, लॉक निकल गया। इसके बाद अब उसी तरीके से इसकी पिन निकालना है जैसे मैंने पहले वाले में बताया था आप लोगों को। और इसकी जो फुल इंजन की वीडियो तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आप लोग ना देखो तो वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ से हमारी पिन निकल रही है, देखो यहाँ पे मैं इसको वापस से इसको पटकता हूँ तो हमारी पिन निकल जाएगी। ये देखो हमारी पिन निकल गई इस तरीके से पटकने से। अब क्या करेंगे हम पिन को हाथ से निकाल लेंगे बाहर, तो हमारी पिन निकल गई। ये देखो इसको रखते हैं हम साइड में। इसके बाद इस वाले जो हमारा फोर्क है, इस वाले फोर्क को भी इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये फोर्क हमारा निकल गया। इसके बाद ले लेना कपड़ा और कपड़े से इसको क्लीन कर लेना है। यहाँ से हमारा हो गया क्लीन। इसके बाद नया वाला लेना है और इसको बैठाना कैसे ये बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नीचे जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से बैठाना है और इसको भी उसी तरीके से पिन लगाना है जिस तरीके से हमने इसका खाँचा जो था वो मैच कर आया था पिन का। यहाँ पे इस जगह पे पिन हमारी घुस जाएगी, तो इस तरीके से ये हमारा मैच हो गया, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसकी पिन लगा देंगे। ये जो हमारी पिन, ये खाँचा हमारा बाहर की तरफ आएगा, मैंने उस वाली उसमें भी बताया था कि ये बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरीके से ये पिन बैठ गई। इसके बाद लेना पतला पेचकस और पेचकस से इसको अंदर की तरफ ढकेल देना, धक्का दे देना, तो ये भी बैठ जाएगी पिन। अब इसके बाद इसके लॉक को इसी तरीके से लगा देंगे, यहाँ से इस तरीके से इसको लगा के हाथ से लॉक को दबा देंगे तो ये पिन में बैठ जाएगा जाके। तो यहाँ पे हमारा लॉक बैठ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा लॉक बैठ गया। अब जो हमारा यहाँ का काम होता है कम्प्लीट, दोनों जो हमारे गियर शिफ्टर थे, जो हमारे फोर्क थे, बैठ गए कम्प्लीट। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरीके का मैं नई वीडियो लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।